नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल प्रख्यात साहित्यकार एवं समाज सेविका स्वर्गीय श्रीमती कमला सक्सेना की स्मृति में उनकी अंतिम पुस्तक भाव अभिषेक का लोकार्पण किया गया एवं वृद्धजनों के लिए निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विश्वास सारंग, पूर्व सांसद आलोक संजर, पूर्व महापौर सुनील सूद सहित अनेक लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं वृक्ष भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर संजय सक्सेना ने अपनी माता जी की स्मृति में एक कमरे का उद्घाटन किया, जिसमें उनकी स्मृति में अनेक फोटो लगाई गई थी। इस मौके पर निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। सर, आपके पास में आदरणीय देवी दीपक जी, आदरणीय आलोक शर्मा, संजय जी, हम सबके आदरणीय स्नेह मिलता है। बचपन से मुझे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया है। आदरणीय रवि ठाकुर जी, मेरे बड़े भाई सुनील सूद जी, डॉक्टर साहब अनिल भाई जैन साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्टजन, मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ क्योंकि मैं समय से आया था। समय से जा नहीं रहा। समय से मतलब वैसे भी समय से ही आया था आलोक भाई। समय अच्छा है, ध्यान रखना। आज के कुछ कार्यक्रमों की ओवरलैपिंग ऐसी हो गई है कि जिसके कारण मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है, पर मैं बाद में आकर जब सब कुछ लोकार्पित हो जाएगा तो अवलोकन मैं ही करूंगा। बाद में आकर मैं बहुत बधाई दूंगा। ये मेरा पारिवारिक कार्यक्रम है, इसमें मैं कोई अतिथि के रूप में नहीं आया। आदरणीय हमारे बीच में माता जी कमला सक्सेना जी नहीं है, उनका बहुत आशीर्वाद मिला बचपन से, उन्होंने हमें खिलाया। डॉक्टर साहब से एसोसिएशन रहा। अनिल भाई के बारे में तो मैं बता देता हूँ कि यदि ट्रेन में सफ़र करते हैं तो केवल इनकी कृपा से, क्योंकि रिजर्वेशन यही कंफर्म कराते हैं, और इन्होंने इतनी आदत खराब कर दी कि साहब बिल्कुल सुबह ही कराते हैं। तो अनिल भाई से, पूरे परिवार से बहुत लगाव है, लेना देना है, और हम रोज जिंदगी में इस परिवार से जुड़े हैं, हम पारिवारिक सदस्य हैं। आदरणीय माता जी का साहित्य में हस्तक्षेप, समाज में हस्तक्षेप और समाज के निर्माण में बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरा मानना है शिक्षा और शिक्षक ये यही जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज को करते हैं, वो यही करते हैं कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को समाज का नागरिक बनाते हैं, देश का नागरिक बनाते हैं। तो शिक्षा और शिक्षक समाज के प्रति सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व के साथ काम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका कर्तव्य होता है। और यदि कोई शिक्षक साहित्य में उसका हस्तक्षेप हो तो निश्चित रूप से उसका योगदान और बड़ा होता है। आदरणीय कमला सक्सेना जी ने अपने जीवन को जिया, और केवल जीवन को नहीं जिया बल्कि इस समाज को आगे आने वाली पीढ़ी के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। वो ऐसे बेटे और ऐसे परिवार को छोड़कर गई हैं जिन्होंने इस समाज के निर्माण में अपने अपने क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।